नमस्कार सत श्री अकाल आदाब प्रणाम सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पायलट ऑन बोर्ड एंड दिस न्यू व्लॉग इन फुकेट। तो यार अभी मैं रेडी हो गया हूँ, 5 बजे लगभग 5:15 बजे हैं। 5:15 बजे की हमारी बात हुई थी, एक जो फर्स्ट ऑफिसर मुंबई से आए थे उनकी, मेरी और हमारे कैप्टन की। वैसे तो कैप्टन बहुत बार जा चुके हैं यहाँ पे घूमने, तो उन्होंने बोला आज मेरा मन नहीं है, पर फिर भी वो एग्री कर गए कि हम दोनों जा रहे थे। फिर मैंने और मुंबई वाले फर्स्ट ऑफिसर ने प्लान बनाया कि यार हम लोग तो जाएंगे, क्योंकि हर बार आते हैं और कहीं घूमने नहीं जाते। जैसा मैंने पहले व्लॉग में बोला भी था कि भाई मैं चाहूँगा इस बार चाहे कोई जाए या मत जाए, तो मैं प्रिपेयर था सब कुछ कि मेरे को जाना ही है, 100% जाना है। अब 5:15 बजे हैं, 5:30 बजे हमें मिलना था वहाँ पे नीचे जाकर। अब बस मैं रेडी हूँ और 15 मिनट है तो मैं पहले ही चला जाऊँगा। यार मैं अपना ना छोटा वाला बैग लेके आया हूँ, पिट्ठू बैग, स्पेशल घूमने के लिए। इसमें मैंने अपने गूगल्स डाले हैं, एक पावर बैंक है, और मैं ये वाली अपनी ये वाली केबल भी डालूंगा ताकि मेरे को अपना फ़ोन चार्ज करना पड़े तो मैं कर पाऊँ, तो ये जाएगी इसमें। हालांकि मेरा फ़ोन चार्ज है और मैंने थोड़ा सा सामान जहाज से लाया था ये, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ भाई, इसलिए मेरे को लाना ही पड़ा। तो ये केक, ये बादाम मिल्क, एक कोक, ये 3 चीज़ मैं बैग में डाल के लेके जाऊँगा इसमें। तो ये भी जाएंगी इस वाले बैग में, क्योंकि कुछ हालांकि वैसे तो खाने को मिल ही जाएगा जैसा मेरे को लग रहा है, आज तो मेरे को फिर भी थोड़ा सा मिल गया। पहली बार मेरे को इस होटल में कुछ वेज खाना मिला, वो थे वेज स्प्रिंग रोल। तो मैंने भाई खा लिया, लेकिन बहुत एक अजीब सी स्मेल थी, मुझे नहीं पता किस चीज़ की थी, पर वो मैंने नाक बंद करके, होता है ना जैसे दवाई लेते हैं छोटे बच्चे, ऐसे करके मैंने खा लिया, कुछ पेट भर गया। और अब शाम को जब मैं आऊँगा घूमकर, अगर मेरे को वैसे तो कैप्टन कह रहे थे कि मिल जाएगा वेज, इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ पर बहुत, क्योंकि मैं पहली बार जा रहा हूँ। बाकी फिर भी मैंने अपना इंतज़ाम कर रखा है, ये 2 वेज बिरयानी है, ये पिछली बार भी ली थी मैंने और अब की बार भी ली है, तो ये काम चलाएंगे मैं कल तक, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह ब्रेकफास्ट में फ्रूट वगैरह मिल ही जाएगा तो चल जाएगा, हो जाएगा मेरा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मेरे को ये मिला। अब हम अंदर चल के देखेंगे कि है क्या। गेस्ट मिसेस, तो इन्होंने लिखा है और रिकॉर्ड इंडिकेटेड दैट यू विल डिपार्ट फ्रॉम होटल टुमारो 18 जनवरी, वुड लाइक टू कंफर्म दैट ड्रॉप ऑफ टाइम इज 10:20। सो 10 मिनट के लिए भी इन्होंने लेटर लिखा है भाई, तो मतलब 10 मिनट के लिए ना इन्होंने ये लेटर प्रिंट करके भाई मेरे रूम में भेजा, क्योंकि मैंने बोला था 10:30 बजे हम निकलेंगे और जो दूसरी फ्लाइट के कैप्टन है वो कह रहे हैं हम 10:20 पे निकलेंगे 10 मिनट पहले, तो हमें जाना एक ही गाड़ी में, इसलिए उन्होंने बोला है। हालांकि मेरे को फोन करके भी बताया कि भाई 10:20 का टाइम हो गया आपका, फिर ये लेटर भी भेजा, तो बात तो है यार मेरी हट गया ना। पर मैं तो नीचे आके बैठ गया हूँ अपने टाइम से, जो हमारा डिसाइड हो रहा है जिस टाइम पे हमें मिलना है उस टाइम पे, 5:30 बजे एग्जैक्ट मैं नीचे हूँ। मैं उन दोनों का वेट कर रहा हूँ और वो आए और डिसाइड करेंगे निकलना कैसे, कैब से निकलना, गाड़ी और टैक्सी करनी है। वैसे तो यहाँ पे एक ऐप है बुल्ट ऐप, उसके थ्रू गाड़ी सस्ते में हो जाती है, तो वही हम करने वाले हैं। जब तक वो आ रहे हैं तब तक मैं ना राखी से बात कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी सुबह से राखी से बात नहीं हुई। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing. ये नई चीज़ आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये है थाईलैंड की ऑटो यार, जो अपने यहाँ से बहुत अलग है। ये म्यूजिक सिस्टम देखो इसके अंदर, ओ क्या आवाज़ आ रही थी भाई। Oh, 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 oh
us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. क्योंकि मेरे को ना बहुत गर्मी लग रही थी, वैसे मैं अंदर पहन के आया था, मैं बीच पे जाके पटांग पे तो उतार देंगे, सेम वही किया, थैंक यू। तो अभी बस हमारे से कैप्टन घूम गया, उनका वेट कर रहे हैं, वो आ जाएं। भाई लेने गया, जो दूसरे फर्स्ट ऑफिसर है ना मुंबई से, वो अभी उन्होंने मैसेज किया वाईफाई से कनेक्ट करके, तो उन्हें लेने गए। तो भाई मेरे ना जो जूते का साइज़ है, मैंने नए अपने शूज़ खरीदे थे, बहुत मतलब थोड़ा सा चुभ रहा है, थोड़ा छोटा है क्योंकि खुले नहीं है अभी। तो मेरे ना अंगूठे का जो नाखून है ना बहुत पेन कर रहा है, दर्द हो रहा है। तो अभी हमारा हो गया, यहाँ पे हम घूम लिए हैं, अब सीधा जाएंगे घर, और भाई घर जाके सो जाएंगे क्योंकि सोना भी बहुत ज़रूरी है। कल हमारी फ़्लाइट है, फ़्लाइट भी काफ़ी लंबी है, ऑलमोस्ट 4.5 घंटे का ब्लॉक टाइम है, तो रेस्ट भी ज़रूरी है। 10:30 बजे के आसपास हम होटल से निकलेंगे। अभी बस खाना खा रहे थे और बिल्कुल छोटे हैं, खाना आ गया है, ये पनीर लग रहा है, मतलब होटल में मेरे को कुछ नहीं मिला था, यहाँ पर मैं जिग जाऊँ। ये तो रोटी है, बड़ी सही लग रही है, सिक भी रही है, तंदूरी बटर रोटी, वो भी थाईलैंड में पहली बार मेरे को। पर मैं पहले फुकेट के ओल्ड टाउन में था, इसलिए नहीं मिला था, अभी पटांग पे हैं तो सब कुछ सारा खाना मिल रहा है। वापस आ गए हैं और मैं पहली बार क्योंकि यहाँ घूमने गया, तो भाई मैं मतलब दुबई में था, मैंने टाइपराइटिंग दुबई से सारजा से करी थी, तो क्लब वगैरह में वहाँ पे भी गया था मैं, पर यहाँ का जो सीन था ना भाई, पूरा माहौल पार्टी वाला था, एक नंबर, मज़ा आ गया। वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करूँगा क्योंकि अगर मैंने कंटिन्यू किया तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। सो यार ये व्लॉग बहुत प्यारा व्लॉग है, आप प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक कर देना और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो सब्सक्राइब कर लें। वैसे तो आप लोगों का प्यार मिल ही रहा है भाई, बहुत सही, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं, मैं ही अपनी तरफ से कमज़ोर हो जाता हूँ, मतलब मेरी ही कमी रह जाती, पर कोई नहीं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी मेरे को भी भाई बहुत नींद आ रही है क्योंकि ऑलरेडी एक बज चुका है, अभी मैंने थोड़ा सा अपना सामान वगैरह पैक किया था क्योंकि सुबह 9:30 निकलना है, तो मैं सब कुछ अभी रेडी करके रख देता हूँ ताकि सुबह ना चोर ना पड़े मेरे में। तो चलो यार, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।